सलो उस्तर कैसे हो आप सब लोग। साइज ये जो की देख रहे हो भाई, ये है हॉर्नेट 2022 की, और ये जो कलर है ना, ये ऑल्सो जो एक नया कलर है। इसमें जो पहले हमने दिखाया था रेड कलर, वो तो था ही इसका नया कलर, लेकिन ये जो है ना, ये भी इसका नया कलर आया। इसमें दो की आपको मिलती है, एक की में जो है आपको नॉर्मल लोगो मिलेगा, दूसरी में जो है आपको रेड कलर के साथ में कॉम्बिनेशन साथ में मिल जाएगा। तो दो की आपको इस बाइक में देखने को मिलती है। उसके साथ में आज जो इसके एक डिटेल रिव्यू हम करने वाले हैं, जिसमें कि सारे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं, और ये जो कलर है ना, ये प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है और कैसा नहीं लगता, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो की जो है इस एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को लाइक कर देना अभी से। बाकी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसकी की लगा लेता हूं, उसके बाद में बाकी सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे अपने को की इंसर्ट करनी है। सो की जो है इसमें इंसर्ट कर ली है। तो अभी जो है ओवरऑल इसका पूरा आपको ओवरव्यू देता हूँ, और क्या कुछ फीचर्स है वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, लेकिन उससे पहले एक बार आप पूरा इसका लुक देख लो कि बाइक जो है कैसी लग रही है। और इसकी फिलहाल कोई बुकिंग नहीं है, तो आप लोग यदि लेना चाहते हो तो गणपति होंडा पे अवेलेबल है, सेक्टर 14 में गुड़गांव में। तो आप लोग आओ, डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी बाइक्स आपको देखने मिलेगी, CB200X, X-Blade वगैरह, और सारे मॉडल्स यहाँ पे है, तो आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग आओ, डायरेक्ट परचेज करो। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। सबसे पहले फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे LED DRLs मिलती है, इस साइड में भी, इस साइड में भी। फ्रंट में जो आपको लाइक ऊपर की साइड लो बीम मिलती है दो, और नीचे की साइड में आपको हाई बीम मिलती है, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ऑन करके। सबसे पहले बाइक अपने को स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऊपर की साइड जो आप देख सकते हो लो बीम है, नीचे हाई बीम है, जिसको मैं अभी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हुई इसकी हाई बीम। तो हेडलाइट जो है काफ़ी अच्छी है, हेडलैम्प में जो कोई भी कमी है नहीं, तो हेडलैम्प जो आपको कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको अच्छी खासी जो ब्राइटनेस मिल जाएगी नाइट के टाइम पे, और यहाँ पे गोल्डन कलर में जो आपको USD सस्पेंशन मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट में जो आपको लाइक ब्लू कलर जो है मडगार्ड मिलेगा, क्योंकि ब्लू कलर जो है इस बाइक का अपने को मिलता है बॉडी कलर। और यहाँ पे ABS की स्टिकरिंग है। साइड में जो है रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, इस साइड में भी, उस साइड में भी। काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, ABS मिल जाता है आपको इस बाइक में। और फ्रंट में जो है 110 सेक्शन का आपको टायर मिलेगा MRF कंपनी का। यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो है अलॉय व्हील डिज़ाइन आपको देखने मिलेगा। ओवरऑल जो फ्रंट का लुक काफ़ी अच्छा निकल के आता है, जो भी इसमें फीचर्स दिए हैं, जो सस्पेंशन दिए हैं, इन सब की वजह से। और ब्रेकिंग भी जो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। फ्रंट में आपको ABS मिलता है, तो अच्छी खासी ब्रेकिंग आपको मिलेगी, जल्दी से बाइक स्किड नहीं होगी, तो वो चीज़ भी इसमें काफ़ी अच्छी है। इंडिकेटर्स जो आपको यहाँ पे LED में मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से लगते हैं, और देखने में जो है भाई ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। साइड में आऊँ तो यहाँ पे होंडा का 3D लोगो मिलेगा, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मिलेंगे। पूरा मैट कलर है, मेटेलिक नहीं है, तो ब्लू कलर में जो है वैसे ही काफ़ी सही लगती है बाइक। यहाँ पे हॉर्नेट जो है पूरा अपने को गोल्डन कलर मिलेगा। यहाँ पे पूरे ग्राफिक्स वगैरह बने हुए हैं। 180cc का इंजन मिल जाता है, 17.2 BHP की पावर देता है आपको इंजन, और 16.1 के करीब जो आपको टॉर्क देता है न्यूटन मीटर्स के करीब, तो अच्छा खासा टॉर्क भी आपको इसमें मिल जाएगा। नीचे जो है ब्लू कलर में ही आपको इंजन का ऑयल मिलेगा, जो कि ऑल्सो देखने में काफ़ी सही लग रहा है इसमें। और यहाँ पे होंडा लिखा हुआ देखने मिल जाता है। और ऑल जो इंजन है ना, वो काफ़ी रिफाइंड, लाइक फर्स्ट गियर सेकंड गियर में इतनी ज़बरदस्त पावर मिलती है। तो राइड की थी ना हमने, उस वीडियो को जाके देखना आप, लाइक जो पिकअप है, जो रिफाइनमेंट है, वो लाइक नेक्स्ट लेवल है। इस बाइक को एक बार चला लिया तो आप लोग फैन हो जाओगे इसके, क्योंकि जो होंडा के इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन और स्मूथ होते हैं। 5-speed का गेयरबॉक्स आपको इसमें मिलता है, तो ये मत सोचना कि 6 gear की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो है 5 gear दिए हैं ना कंपनी, कुछ सोच समझ के दिए, क्योंकि इस बाइक में 6 gear की ज़रूरत है ही नहीं। आप लोग जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसको राइड कर पाओगे 5 gears में ही, क्योंकि यहाँ पे रिफाइनमेंट की कोई कमी नहीं है उस वजह से। तो चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसका कूलिंग सिस्टम। सिंपल है, एयर कूलिंग सिस्टम मिलता है, लिक्विड कूलिंग यहाँ पे नहीं है, और ना ही ऑयल कूलिंग। यहाँ पे आपको 2.0 स्टिकरिंग देखने मिल जाएगी गोल्डन कलर में। स्प्लिट सीट आपको मिलती है पीछे और आगे, लाइक डिफरेंट सीट है दोनों। कुशनिंग जो है अच्छी खासी दी गई है, तो कंफर्ट वगैरह अच्छा खासा मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को टैंक मिल जाते हैं ड्यूअल टोन में, बीच में जो अलग से पार्ट दिया गया है, और साइड में अलग से ड्यूअल टोन यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा ये भी। उसके बाद में मैं रियर साइड में आऊँ तो यहाँ पे अपने को फुटरेस्ट वगैरह देखने मिल जाएंगे, रियर ब्रेकिंग, और यहाँ पे रियर एल्यूमिनियम के फुटरेस्ट आपको देखने मिल जाएंगे। एग्जॉस्ट जो आप देख सकते हो वही सेम है। इसकी साउंड जो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार, इग्निशन ऑन एंड जो स्टार्ट। तो ये है इसकी साउंड, साउंड भी जो अच्छी खासी दी गई है। और यहाँ पे रियर सेक्शन में आऊँ तो रियर में भी जो आपको डिस्क मिलेगा काफ़ी सही साइज का, ये जो कटिंग दी है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेकिंग है वो नेक्स्ट लेवल आपको मिलती है, और यहाँ पे ब्रेकिंग रिस्पांस में जो है कोई कमी नहीं लगती। रियर में जो है 140 सेक्शन का आपको टायर मिलेगा, जो कि आई थिंक काफ़ी चौड़ा टायर है, और ये भी जो है सेम आपको MRF कंपनी का ही देखने को मिलेगा। तो ग्रिप वगैरह जो अच्छी खासी मिल जाएगी, ट्यूबलेस टायर्स हैं यहाँ पे। और बाकी पीछे की साइड में आप देख सकते हो जो रियर लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो है मेटेलिक का यूज़ किया है थोड़ा बहुत, बाकी जो पूरा आपको मैट देखने को मिलता है यहाँ पे। ये भी जो है मैट में ही है, लेकिन ये जो पार्ट है ब्लैक कलर का, ये मेटेलिक है, जो कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे दे रखी है। बाकी जो है यहाँ पे थोड़ा कार्बन फाइबर टाइप फिनिश दे रखी है, बट ये जो है स्टिकरिंग है, लाइक यहाँ पे जो है कोई भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं मिलता आपको।
और पीछे की साइड में आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक्स शेप में आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी, ऑल्सो काफ़ी सही लग रही है। एलईडी इंडिकेटर्स यहाँ पे जो है, एलईडी लाइट आपको मिलेगी इसकी नंबर प्लेट की, जो कि जल्दी से हीट नहीं होती और कोई भी इशू नहीं होता, यहाँ पे नंबर प्लेट अपनी लग जाएगी। यहाँ पे अपने को स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिल जाती हैं, जो कि ऑल्सो ब्लू कलर में है और देखने में जो है काफ़ी सही लग रही है। इनकी भी जो है ग्रिप वगैरह आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। ये जो पार्ट दिखा रहा था मैं मेटेलिक में, आप देख सकते हो करीब से, जो कि काफ़ी सही कॉम्बिनेशन यहाँ पे देता है। यहाँ पे साइड गार्ड जो है देखने को मिल जाएगा, ऑल्सो प्लास्टिक कवरिंग के साथ में आपको देखने को मिलता है, ताकि थोड़ा प्रीमियम लगे। प्रीमियम बाइक है तो भाई प्रीमियम फिनिशिंग चाहिए अपने को, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और जो है मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, तो हर बाइक में आपको देखने मिलेगा। यहाँ से अपनी रियर की जो है सीट ओपन हो सकती है, तो वो आप यहाँ से कर पाओगे। अगेन जो है सेम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, 2.0 हॉर्नेट सेम पैटर्न यहाँ पे देखने मिलेगा। और यहाँ पे जो है साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी देखने को मिल जाएगा, कि यदि गियर में है बाइक तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और चलती बाइक में यदि बाइक ऑफ हो जाती है और गियर डल रहा है तो भाई वहाँ पे भी ऑफ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सिस्टम है इसमें, लाइक स्टैंड लग जाता है तो ऑफ हो जाएगी चलती बाइक में, तो उसी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है वो भी। और यहाँ पे जो है आपकी लाइक एयर वगैरह की जो है प्रेशर वगैरह वो सारे यहाँ पे शोकेस की एयर वगैरह यदि आपको देखने, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कितनी एयर कौन से टायर में रखनी है। यहाँ पे जो सेंटर स्टैंड भी मिलेगा, साइड स्टैंड मिलेगा, दोनों यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं। अभी आ जाता हूँ मैं मेन कंसोल पे, लाइक सेंटर कंसोल पे, कि यहाँ पे क्या कुछ फीचर मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। की तो जो आपने देख ली नॉर्मल है बिल्कुल। और यहाँ पे जो है पासिंग लाइट है, जो कि आपको ऑन करने के बाद ही लाइक रिस्पॉन्स देगी, हाई बीम लो बीम में। यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे हॉर्न है सिंगल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इग्निशन का बटन है, यहाँ पे हैजार्ड का भी बटन आपको देखने को मिलता है इसमें, जो कि बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सेल्फ का बटन है। तो ये सारे आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे मिरर्स आपको मिल जाते हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के। यहाँ पे फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, लाइक सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, टाइमिंग, बैटरी वोल्टेज, उसी के साथ में जो यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे टोटल ऑडोमीटर दिखाते हैं, यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी और बाकी जो है कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि माइलेज वगैरह पे शो नहीं करता। गियर इंडिकेटर, यहाँ पे फ्यूल मीटर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको लाइक सेट कर सकते हो। बाकी जो है यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं मिलता, नॉर्मल वाला हैंडल बार मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा कम्फर्टेबल लाइक आपको पोस्चर देता है। तो ये था इसका एक छोटा सा डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू इस नए कलर का, जो कि आपने देखा। और टैंक भी जो है अच्छे खासे साइज में आपको मिल जाता है, टोटल 12 लीटर्स का यहाँ पे आपको टैंक मिलता है। तो एक बार फुल कराओ, लगभग आपके 400 के करीब जो है किलोमीटर निकाल देगा, बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि जो माइलेज है वो लगभग 40 करीब आपको मिल जाएगी, 35 से 40 आराम से, यदि आप सिटी में चलाते हो तो आपको जो अच्छी खासी माइलेज मिल जाएगी। बाकी जो है शोरूम डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग आओ विजिट करो। और बाइक की टेस्ट राइड वगैरह तो आई थिंक यहाँ पे नहीं मिलेगी, और बाइक जो आपको यहाँ पे मिल जाए तो बाइक आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। यदि आपका लाइक मन है भाई परचेज करने का पूरा, तो यहाँ पे टेस्ट राइड भी मिल जाएगी, लेकिन जो बाइक है वो इनके पास एक है, तो आप जो है यहाँ पे आके एक बार इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये इसी एक छोटा सा डिटेल रिव्यू, जो प्राइस है वो लगभग 1,53,54 लाख से करीब जो ऑन रोड है, तो प्राइसिंग वगैरह अच्छी खासी रखी है, कोई दिक्कत है नहीं प्राइसिंग में। बाकी जो है आप शोरूम पे विजिट करो। तो ये था आज का एक छोटा सा रिव्यू, सो मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।